आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करेंगे हम। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, हमें इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन क्या करना है, सॉल्व करना है। हमारा x-2=7, हमारे पास इक्वल का साइन है, ये वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट। तो हमें इनमें कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले जाना होता है। मीन जैसे x-2=7, मुझे इस 2 को कहाँ ले जाना, पीछे। लेकिन ध्यान रखना, जब इक्वल का साइन बीच में हो तो हम संख्या किसी भी डिजिट को ट्रांसफर करते हैं तो उसके साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। मीन ये पीछे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो क्या उससे होगा 7, ये माइनस है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इक्वल का साइन बीच में है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसी यहाँ है y+3=10, भाई कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले जाना है, यहाँ प्लस से पीछे जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इक्वल से पीछे जा रही डिजिट, तो -3, तो y=2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ 6=z+2 है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 6-2=2 क्या हो जाएगा z, और 6 में से 2 गया 4z, और z=2 हम लिख सकते हैं 4। ओके, नेक्स्ट हमारे हैं, हमारा नेक्स्ट पास है 4th पार्ट, 3/7 फ्रैक्शन में +x=17/7। तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट, तो एक तरफ ले जाएंगे, वही रूल्स वही है कि 17/7 पीछे जाएगा तो -3/7 हो जाएगा। भाई डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे माइनस हो जाएंगे x, 17 में से 3 गए 14 और ये 7 रहता है, ये माइनस नहीं होगा, ये सीधा 7, और 7 × 2 = 14, x=2 कितना गया 2। ऐसे हमारा है 5th पार्ट, देखो 6x=2 कितना है 12 है। अब ये मल्टीप्लाई में, तो जब ये नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ये, तो x=2 कितना हो जाएगा 6, 12/6, x=2 काट दो, 6×2=12 आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आता है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब जो 6th पार्ट है हमारा t/5 फ्रैक्शन में, यहाँ 10, तो इसको हम फ्रैक्शन में 1 लगा के फ्रैक्शन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, इसको यहाँ। ठीक है, तो t=10 5 कितना हो जाएगा 50, तो हमारा t कितना निकल गया 50। ओके okay?